दर्शकों में से किसी ने कहा कि जब रणवीर आए तो उनसे पूछना कि इज इट ट्रू कि आपने अपनी प्लेलिस्ट जो है फेवरेट गानों की लिस्ट वो अपने रायता नाम से सेव रखी है। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्यों। देखो क्या है, पार्टी में पहले तो इंग्लिश गाने बजते हैं लेटेस्ट, फिर पुराने इंग्लिश गाने, फिर जब सबने काफी सारी पार्टी की होती है, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए जी, जब पार्टी पूरे फॉर्म में आती है तब वो वाले गाने बजते हैं, वो वाले रायता फैलने वाले, जिन पे लोग फैलते हैं रायते की तरह, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट का नाम रखा है रायता। क्या यूनिक थॉट है बंदे। अली ऐसा होता ना कभी कभी, जैसे हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि यार कोई दोस्त बड़ा पकाऊ है तो उसका नाम हमने लिखा कि पकाऊ नाम करके सेव लिया, ऐसा कभी आपने किसी के नाम ऐसे सेव किए? आप दोनों से सवाल है। आप मैंने नहीं सेव किया है, पर मुझे पता है कि लोगों ने मेरा नाम एक अजीब नाम से सेव किया है। अच्छा, आलू बटाटा या बटाटा वड़ा या आलू फ्राई, प्यार से आलू बोलते ना सब। हाँ, तो आलू को लेकर मेरे बहुत सारे निकनेम्स बने हैं और okay. बहुत सारे ऐसे नाम सेव किया हुआ हमने फोन पे। ऐसा क्यों? क्यूट पाजी, आलिया ना तो आलू बोलते प्यार से लोग, और मैं आलू थी वैसे। ओ और मैं आलू भी हूँ क्योंकि मैं हर सिचुएशन में घुस जाती हूँ एक्चुअली। हर हर आलू गोज विद एवरीथिंग, सो आई आल्सो गो विद एवरीथिंग। यही खासियत होती है पता है, एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे एक्टर की, किसी भी तरह का करेक्टर दे दो, किसी भी तरह की फिल्म, आलिया हर फिल्म में एडजस्ट हो जाती है और बहुत अच्छा करती है। पाजी आपने भी अलग अलग सेव किए नाम? मैंने एक्चुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड का मोबाइल लेके मैंने अपना नाम बदल के सेव किया था। क्या? ताकि जब भी मैं कॉल करूं वो दिखे उसको गॉड। गॉड? हाँ, जैसे भगवान का फोन आ रहा है। अच्छा, गॉड्स कॉल। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे आई एम श्योर जिन्होंने अपनी वाइफ का नाम या अपने दोस्तों के नाम अलग नाम से सेव किए होते हैं। अच्छा, जिसका हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा क्रिएटिव लगेगा, उसको हम गिफ्ट भी देंगे। ऐसे फालतू में नहीं पूछ रहे। ओ, मांगता रहा बॉस, देता है गिफ्ट, मांगता है अपने पास। हाँ, कोई है हमारे दोस्त जो फटाफट कुछ? जी हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू सर। हेलो भाई। हेलो रणवीर सर। हेलो आलिया मैम। सो मैं यहाँ मेरे वाइफ के साथ आया हूँ। तो अपनी वाइफ के साथ आओगे, किसी की वाइफ के साथ क्यों आएगा? अच्छा, तो फिर कहाँ से आए सर आप? मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ। यहाँ मुंबई से ही आए जी। मैंने अपने वाइफ का नाम प्यार से वड़ा रखा है। और वड़ा वड़ा मेंदू वड़ा? नहीं नहीं, और उसने मेरा नाम पाव रखा है। हुआ आए, आए। क्या बात है, चटनियां कितनी आपकी, बच्चे कितने हैं? वड़ा पाव। सो स्वीट। ऐसे क्यों, वड़ा क्यों रखा है और पाव क्यों रखा है? मतलब सर बेसिकली जब हम लोग दिल्ली से मुंबई आए तो हमने काफी जगह पे वड़ा पाव खाया और हमें ऐसा लगा कि वड़ा पाव जैसे हमेशा साथ में रहता है तो हमें भी ये साथ में रहना है, इसीलिए हमने वड़ा पाव डिसाइड किया। क्या बात है, क्या बखोड़ों वाली क्रिएटिविटी है। वड़ा पाव भी बोलते रहते, मेरे को भूख लग गई सच्ची में यार। क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, और आपकी मिसेज का नाम? इनका नाम आपको नहीं याद? निमिक्षा। हाँ जी, निमिक्षा। लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज कम लव। मतलब कैसे अरेंज कम? नहीं, पहले फैमिली ने अरेंज कर दी एंड बाद में हमने एक दूसरे को मिले तो हमें प्यार हो गया। नहीं, वो तो होना ही था ना, फिर उसके बाद प्यार नहीं करोगे तो वड़ा पाव ये चटनियां कैसे होंगी। चलिए शुक्रिया अभिषेक, थैंक यू निमिक्षा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो। और विजय दीनानाथ चौहान। क्या हाल है सर? बढ़िया है सर। कहाँ से आए सर आप? सर मैं वापी गुजरात से आया हूँ सर। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने अपना? जीतू पटेल। जी जीतू पटेल जी, आपने क्या किया अपने फोन में? सर मैंने अपनी वाइफ का नाम सेव किया है, किट किट किया है। हाँ जी, किट 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 किट। आई आई आपके साथ? आई है सर। कहाँ है? बाजू में बैठी हुई है। यार इतने प्यारी हंस रही है वो, आपने किट किट रखा है उनका नाम? अभी भी किट किट चालू है। पानी कैसे पीना, ऐसे क्यों पी रहा, ऐसे पियो, ऐसे बोलती है किट किट जी। अपना सॉरी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? सर मेरा नाम तरुणा है। तरुणा, कोई बात नहीं सर, अपना टाइम भी आएगा। क्या बात है। नहीं यार, आपको अगर मैंने बोला पानी ऐसे नहीं, आपका ध्यान रखती ना। नहीं पर बताना तो पड़ता है ना, आखिर हस्बैंड तो है। पर आपको क्यों लगता है कि उनको पानी पीना नहीं आता? ऐसे नहीं पियेंगे तो क्या ऐसे पियेंगे? उनका कहना है बड़े बड़े लोग आए हैं, जरा पानी जरा सिस्टमेटिक पियो, जरा अच्छा ही लग रहा है। कौन से बड़े बड़े लोग आए? सब अपने जैसे ही। अपनी सर, आलिया मैडम, सिद्धू सर, आप
तो हम भी ऐसे ही पीते हैं, हम कोई ऐसे तो नहीं पीते। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं। आप मुझे देख के बोल सकते हैं कि लव मैरिज? अरे सर ये तो जिंदा दिली आपकी हंसी मजाक, हर लड़की को ऐसा लड़का पसंद होता है। बोली बोली बोली। मैं 15 दिन रोई थी। क्यों 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 क्यों? देखने के बाद। पर आप दोनों ही बड़े मजेदार हो। अच्छी पटती होगी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? नहीं बिल्कुल नहीं पटती। बैठे तो बड़ा चिपके हुए थे। बच्चे कितने आपके? दो है सर। बनती तो होगी तभी हुए। पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। रणवीर और आलिया के लिए जोरदार तालियां। आइए भाजी, ये हमारे शो में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कितने सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको लगा होगी यार ये यूनिक था, आले जी बताइए आपको किसने एंटरटेन किया आज? एक बंदे ने काफी हुनर दिखाई। मुझे भी लगता है, आई थिंक ये यूनानिमस है कि आज एक ऐसा शख्स है जिसका टैलेंट मतलब अपरंपार रहा। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूं मैं। अरे आपका नाम नहीं लिया, पाजी कर रहे थे आने से पहले। प्लीज 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 कम। तो आपको मिलती है मोटरसाइकिल। मेरे को देले सुबह से बैठा हूं, खाना तक नहीं मिला। और आपको बहुत बहुत मुबारक, और आपका बड़ा टैलेंट यूनिक है यार ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और रणवीर आलिया थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आलिया, गॉड ब्लेस यू।